आइए जानते हैं कि संभिक्षा रिपोर्ट जो प्रारूप 17A में जमा किया जाता है, खुला लिफाफे के संग जमा किया जाता है, उसको कैसे भरा जाए। तो इसमें सबसे पहले नंबर एंड नेम, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, तो हमने भर दिया 100 बरौली, पार्ट नंबर 72, प्राथमिक मकतब 6 महीसिक। इसके बाद पहली जानकारी है टोटल इलेक्टर्स इन द पीएस, यानी मतदान केंद्र पे कुल निर्वाचकों की संख्या, मतदाताओं की संख्या। हमने भर दिया मेल 290, फीमेल 310, अदर 0, टोटल हो गए 600। दूसरी जानकारी मतदान करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, मेल 140, फीमेल 160, अदर 0, टोटल 300, 600 में 300 लोगों ने मतदान किया, ये भी हमने भर दिया। तीसरी जानकारी नंबर ऑफ टेंडर्ड वोट्स, टेंडर वोट 0 है। टेंडर वोट हम सबको पता है कि कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि मैं यहाँ मतदाता हूँ, पता चलता है कि उसके नाम पे पहले से ही कोई मतदान कर चुका है, ऐसे में पीठासीन उसकी जांच करते हैं, और अगर वह वैध मतदाता होता है तो उसका वोट जो है बैलेट से होता है, जिसे टेंडर वोट कहते हैं। तो ऐसे भी मतदाता मेरे यहाँ 0 है, इसलिए हमने 0 भर दिया। चौथी जानकारी नंबर ऑफ चैलेंज वोट्स, ये भी 0 है, क्योंकि मेरे यहाँ किसी भी मतदान अभिकर्ता, पोलिंग एजेंट ने किसी मतदाता के लिए चैलेंज नहीं किया, उसके मतदाता होने पर संदेह नहीं किया, तो ये 0 हो गया। पांचवी जानकारी नंबर ऑफ प्रॉक्सी वोट्स बाय CSVS, CSVS का मतलब है क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स, आर्म फोर्सेस के जवान यदि चाहें तो अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को वोट देने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं, ऐसे वोट को प्रॉक्सी वोट कहा जाता है, ये भी मेरे यहाँ 0 है। छठी जानकारी है ईपिक के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या, 250 लोगों ने ईपिक के आधार पर मतदान किया, ये पोलिंग ऑफिसर 2, ये जो मतदाता रजिस्टर 17A के प्रभारी हैं, उनसे हमने जानकारी अर्जित कर ली, क्योंकि वो लिखते हैं कि ईपिक से कौन मतदान कर रहा है और अल्टरनेटिव दस्तावेज से कौन कर रहा है। सातवीं जानकारी है आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई फोटो मतदाता पर्ची ईपिक के आधार पर मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या, तो ये 0 होगी। पिछले चुनाव में मतदाता पर्ची के आधार पर भी मतदान कराया जा सकता था, इस बार मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान नहीं कराया जाएगा, बल्कि मतदाता पर्ची जो लेके आएगा मतदाता, उसे अनिवार्य रूप से मतदाता पहचान पत्र जो चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है उसे लाना होगा। आठवीं जानकारी है नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ वोट ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स, तो वैकल्पिक दस्तावेजों यानी ईपिक को छोड़कर अन्य वैध दस्तावेज जो चुनाव आयोग द्वारा मान्य है उसके आधार पर मत देने वालों की संख्या 50 है, जो मैंने भर दिया। नौवें नंबर पे है नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु एक्सरसाइज देयर राइट अंडर 49O, नियम 49O के अधीन मतदान प्रकोष्ठ में जाने के बाद यदि मतदाता मत देने से इनकार करता है तो उसका रिमार्क मतदाता रजिस्टर 17A में दर्ज होगा, ऐसे मतदाताओं की संख्या मेरे यहाँ 0 है, तो हमने 0 भर दिया। दसवीं जानकारी है मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट की संख्या, तो मेरे यहाँ 5 मतदान अभिकर्ता हैं, हमने 5 लिख दिया। 11वें नंबर पे जानकारी मांगी गई है वैसे मतदान केंद्र जहाँ कोई मतदान अभिकर्ता नहीं था अथवा केवल एक मतदान अभिकर्ता उपस्थित था, तो ये भी 0 है। 12वीं जानकारी नंबर ऑफ ओवरसीज इलेक्टर्स हु वोटेड इन द पोल, ये भी 0 है। ओवरसीज यानी विदेशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों के संबंध में है, ऐसे किसी वोटर ने मेरे यहाँ वोट नहीं दिया। नंबर ऑफ ईवीएम यूज्ड, हमने एक ईवीएम का प्रयोग किया है तो एक लिख दिया। वेदर द ईवीएम वाज चेंज्ड और रिप्लेस्ड, मेरे यहाँ कोई ईवीएम चेंज नहीं हुआ इसलिए हमने नो लिख दिया। 15वीं जानकारी इफ सो द टाइम व्हेन चेंज्ड एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, कोई रीजन नहीं था, चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए हमने लिखा NA मतलब नॉट अप्लीकेबल, ये जानकारी मेरे मतदान केंद्र पे लागू नहीं होती। 16वें नंबर है पे जानकारी मांगी गई है टोटल ASD वोटर्स इन द लिस्ट, ASD का मतलब है अब्सेंट शिफ्टेड एंड डेथ, प्रत्येक BLO के द्वारा बड़ी सावधानी से
ये पता लगाया जाता है कि कौन सा मतदाता अब उपस्थित नहीं है, या दूसरे जगह शिफ्ट कर गया है, या डेथ कर गया है। ऐसे मतदाताओं की एक अलग से सूची जारी की जाती है जो इलेक्टोरल रोल के साथ संलग्न होती है। तो ऐसा भी कोई मतदाता नहीं आया, इसलिए हमने ASD वोटर्स की संख्या 0 लिख दी। 17वीं जानकारी, टोटल पर्सन्स हु कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम द ASD लिस्ट। ASD लिस्ट से कोई वोट नहीं दिया, इसलिए 0 लिखा। एनी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस और पोल इंटरप्शन ड्यू टू एनी रीजन, कोई इंटरप्शन नहीं हुआ, बाधा नहीं पड़ी, इसलिए हमने 9 लिखा। कंप्लेंट्स रिसीव्ड विद रिस्पेक्ट टू डेट पोलिंग स्टेशन, कोई कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमने 9 लिखा। नीचे पीठासीन अधिकारी की हैसियत से सिग्नेचर किया, पार्ट नंबर 72 भरा और पार्ट नेम प्राथमिक मकतब छवें सिख में लिखा। ये एक मॉडल संवीक्षा रिपोर्ट है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आशा करता हूँ कि आप लोग जब संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे तो ये एक मार्गदर्शक का काम करेगी, इसके किसी भी भाग का नकल करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।